नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सल्तनतों के उदय की और खिलाफत के विघटन की, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक नया राजवंश गुहावी राजवंश जो था वो उसने बगदाद पर अधिकार कर लिया था, यद्यपि उसने खलीफा का पद बने रहने दिया था और क्यों बने रहने दिया था इसका भी हमने इस बारे में भी चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे आगे की, जो तीसरा एक नया तुर्क गुलाम अधिकारियों का जो मामलुक वर्ग था वो भी शक्तिशाली हो गया था और किस प्रकार से एक नया जो तुर्क वर्ग था वो भी अरब और ईरानियों के इस गुट के अंतर्गत तीसरा गुट बन चुका था। तो यहाँ पर देखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो फातिमी राजवंश था वह भी मिस्र में उसने अधिकार करके और काहिरा को अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तुर्कों के विषय में। तो देखिए, तुर्क जो थे वो तुर्किस्तान जो मध्य एशिया का भाग है वहाँ के खानाबदोश जाति के लोग थे, वो मकर जीवन व्यतीत करते थे। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो उसके आगे की जो बात कर रहे हैं हम कंटिन्यू में, देखिए तुर्क कुशल घुड़सवार और कुशल योद्धा थे। वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुहावी प्रशासनों में शामिल हो गए थे। अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे योद्धा थे। तो जो उस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी, जैसे अब्बासी खलीफाओं का शासन था, बुहावियों का शासन भी कुछ स्थान पर स्थापित था, इसके साथ साथ समानी राजवंश था, उसका भी शासन ईरान के आसपास के क्षेत्रों पर था। तो इन सब प्रशासनों में वो गुलामों और सैनिकों के रूप में बटी हुए थे तुर्क, और अपनी वफादारी और सैनिक योग्यता के बल पर तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए थे। वफादार थे और साथ साथ योग्यता थी उनमें, इसलिए वफादारी और सैनिक योग्यता के बल पर वो तरक्की की उन्होंने और ऊंचे पदों पर वो प्रशासन में आ गए थे। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पद्दीन द्वारा 961 ईस्वी में की गई और उसके बाद महमूद गजनवी ने इसे मजबूत बनाया। गजनी सल्तनत मतलब कह सकते हैं कि ईरान के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत गजनी नामक स्थान था, जहां पर एक तुर्कों के द्वारा एक राज्य स्थापित कर लिया था जिसे गजनी कहा गया, और सुल्तान की उपाधि धारण करने के कारण यहाँ के शासक जो थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, इसलिए सल्तनत इसको नाम दिया गया है। तो गजनी सल्तनत की जो स्थापना थी वो 961 ईस्वी में अल्पद्दीन के द्वारा की गई थी, और बाद में महमूद गजनवी जब यहाँ का शासक बना तो उसने इसे और अधिक मजबूत बनाया था। यह वही महमूद गजनवी था जिसने धन संपदा प्राप्त करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। गजनवियों की सत्ता का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था, और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। तात्पर्य यह है कि जो गजनवियों की जो सत्ता का केंद्र था, अर्थात जहां पर उनकी सत्ता स्थापित थी, वो खुरासान और अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर थी और बगदाद से काफी दूर थी जहां पर अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी। तो एक तरह से अब्बासी खलीफा उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि वो तो खलीफाओं का समर्थन करते थे, क्योंकि गजनवी स्वयं भी सुन्नी थे। तो खलीफा से एक तरह से वो अपनी सत्ता की वैधता प्राप्त करना चाहते थे कि वो जहां पर शासन कर रहे हैं वो वैध शासन है। महमूद गजनवी एक गुलाम का बेटा था और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। महमूद गजनवी स्वयं भी एक गुलाम था, गुलाम का पुत्र था और स्वयं गुलाम था, परंतु बाद में उसने अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त कर लिया था सेना में, और बाद में वो शासक बन गया था, सल्तनत का सुल्तान बन गया था। लेकिन सुल्तान की उपाधि वो खलीफा से ही प्राप्त करना चाहता था ताकि उसकी सत्ता जो है वो उसकी वैधता बनी रहे। इसलिए वह जानता था कि वह गुलाम का पुत्र है और खलीफा का प्रतिद्वंदी, यदि उसने खलीफा का विरोध किया तो उसे कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं मिल पाएगी। और खलीफा जो था वो उस समय भी इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु और राजनीतिक प्रमुख माना जाता था, इसलिए वह खलीफा से अपनी सत्ता की वैधता चाहता था और सुल्तान का पद प्राप्त करना चाहता था। खलीफा भी सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवी को, जो कि सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। अब जो अब्बासी खलीफा था वह भी महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि देने के लिए राजी हो गया। क्यों? क्योंकि वह एक तो सुन्नी था जो उसका समर्थन करता, और दूसरा जो सिया राजवंश इस समय
उभर चुके थे। बुखावी और जो फातिमी राजवंश थे, जिन्होंने कुछ स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया था, उनके प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में, अर्थात यदि वो सिया कभी खलीफाओं का विरोध करे तो जो गजनवी है वो खलीफा के समर्थन में है, इस प्रकार की सोच रखते हुए खलीफा ने भी उसको सुल्तान की उपाधि देने के लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं की। इस प्रकार महमूद गजनवी को खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिल गई और महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए एक अन्य तुर्क वंश सलजुक तुर्क, उन्होंने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। महमूद गजनवी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में गजनी साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई, राजनीतिक अव्यवस्था हो गई, उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, कमजोर उत्तराधिकारी थे। ऐसे समय में सलजुक जो तुर्क थे, जो तुर्कों की एक अन्य शाखा थी, उन्होंने यहाँ पर खुरासान पर अधिकार कर लिया 1037 ईस्वी में, और खुरासान पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने निशापुर, जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ पर उसको अपनी पहली राजधानी बनाया, निशापुर को। आगे हम इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।